नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DSB एग्री में। आज हम लेकर आए हैं गेहूं के भाव और तेज मंडी रिपोर्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी के लिए आपको बता देंगे, रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते समूचे विश्व में खाद्यान्न की कमी के कारण गेहूँ की कीमतों में उछाल आया है। श्रीगंगानगर में गेहूँ भाव रहा 2130 से 2200 रुपये, नौर मंडी में 2185 रुपये, अनूपगंड में 2105 रुपये, कड़साना में 2145 रुपये, संगरिया में 2164 रुपये, बीकानेर में 2200 रुपये, रायसिंह नगर में 2161 रुपये, केकड़ी में 2200 रुपये, अलाहाबाद में 2155 रुपये, अलीराजपुर में 2200, जोधपुर में 2250, छतरपुर में 2200, देवास में 2435, निमरानी में 2440, मालनपुर में 2435, मालवराज में 2200, सिरसा 2180, भुन्ना 2340, नरवाना 2200, खैर 2260, महुआ 2150, महुआ मंडावरी 2156, कोटा 2285, दुनी 2095, बूंदी 2210, अटरू 2260, नागपुर 2418, ओखला 2430, बहराइच 2350, मैनपुरी 2140, इटावा 2360, मथुरा 2275, जौनपुर 2270, शाजापुर 2200, अलीराजपुर 2200, जोबुट 2250, मालवराज 2200, हैदराबाद 2750, खान। देश विदेश की सभी मंडियों में इस बार गेहूँ की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देश के अधिकांश स्थानीय कृषि उपज मंडियों में इस समय गेहूँ के भाव क्वालिटी के अनुसार 2250 से 2450 रुपये क्विंटल तक बिक रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से सब कुछ सही रहता है और नई फसल आने तक आयात शुल्क में कटौती अन्य कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है तो बीते साल के मुकाबले गेहूं के भाव दोगुनी हो सकते हैं। हालांकि मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगने के बाद से गेहूँ की कीमतों में बड़ी तेजी नहीं आई है। वर्तमान में बाजार स्थिर बना हुआ है। आगे आने वाले दिनों में गेहूँ की कीमतों में बड़ी गिरावट की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। आगामी दिनों में गेहूँ का भाव 200-300 रुपये की घटबढ़ के साथ बने रहेंगे। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। धन्यवाद। जय किसान।